तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मरुस्थल के बारे में बात किया था, विषम जो है मरुस्थल सबसे गर्म और ठंडा पाए जाते हैं, सबसे ठंडा और सबसे गर्म। इसका दो है, एक लद्दाख का, एक सहारा का। इसके बाद मैं लद्दाख के बारे में बताऊंगा। तो सबसे गर्म जो मरुस्थल है विश्व का, वो सहारा मरुस्थल अफ्रीका का। चलिए संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूँ, फिगर के द्वारा बताता हूँ कि कितने किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, देखिए सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, अर्थात गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका के अर्ध भाग में स्थित है, या आधे भाग में स्थित है, या पश्चिम में, मतलब उत्तरी अफ्रीका का जो आधा भाग उसमें स्थित है। यह पश्चिम में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। देखिए यह पूरा पूरा ये जो एरिया है, ये वाला देखिए, ये अफ्रीका का उत्तरी एरिया है। यह आधा भाग पूरा पूरा उत्तरी अफ्रीका का है, में फैला हुआ सहारा मरुस्थल है। देखिए यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह हम पूर्व में देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इरेज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है लाल सागर है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। इधर देखिए पश्चिम अटलांटिक महासागर, और पूर्व में लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है अटलांटिक से लेकर पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी विस्तार जो है अटलांटिक से लेकर लाल सागर तक है। ठीक है, इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। क्या है, पूर्व से यह पूर्व हिस्सा है, यह पूर्व हिस्सा है। ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, यह लगभग 5,500 किलोमीटर का है। यह जो पूर्व से यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो विस्तार है, यह 5,500 किलोमीटर का कितना है, 5,500 किलोमीटर का है। ठीक है, क्या है, 5,500 किलोमीटर का इसका पूरा पूरा विस्तार है। ठीक है, ये अफ्रीका के अनेक देशों से घिरा हुआ है। क्या है, अफ्रीका का अनेक देशों से घिरा हुआ है, जैसे मिस्र, लीबिया, सूडान, नाइजर। ठीक है, दिखा रहा हूँ, चाड आदि। क्या है, जैसे कि मिस्र अनेक देशों से जो घिरा हुआ है, मिस्र है अफ्रीका के, लीबिया है, सूडान है, नाइजर और चाड है। सहारा की जलवायु अत्यंत शुष्क है, मतलब यहाँ पर पानी ना नहीं होता है, बहुत शुष्क होता है। यम गर्म में बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है सहारा मरुस्थल में। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान जो गर्मी की ऋतु 55 सेल्सियस तक होती है, जबकि शीत ऋतु में तापमान गिरकर हिमांक तक पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा न के बराबर होती है यहाँ पर, अर्थात यहाँ वर्षा नहीं होती है। लोगों का यहाँ जीवन बहुत कठिन होता है। सहारा में लोग नखल निस्तानों के समीप रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नखल निस्तानों, ठीक है, के समीप रहते हैं, जहाँ वे कुछ अनाज तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। वे ऊंट तथा बकरियां पालते हैं तथा हमेशा घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो ये हो गया सहारा मरुस्थल के बारे में संक्षिप्त परिचय आपका। ठीक है, चलिए देख लेता थोड़ा फिगर में कि सहारा मरुस्थल का जो पूरा यह विस्तार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एटलस पर्वत है, पर्वतमाला है जो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये जो देखिए दो संधि है, जिब्राल्टर संधि जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये जिब्राल्टर जो संधि है, यह जोड़ती है, किससे जोड़ती है, ये आप देखेंगे, ये यूरोप का देश है और ये अफ्रीका का जो है। तो जिब्राल्टर जो संधि है, यहीं से भूमध्य सागर जो है, ये भूमध्य सागर जो अटलांटिक से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जिब्राल्टर की संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि आप जानते होंगे, तो ये देख लीजिए अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर, और यूरोप के दक्षिणी जो दक्षिणी अटलांटिक का क्षेत्र है उस हिस्से पर ये जिब्राल्टर संधि है, स्ट्रेट जिसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेडिटेरियन सागर है, और एक चीज और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, गेबस की खाड़ी यहीं पर है। ठीक है, एटलस का जो पर्वत है इसी सहारा मरुस्थल के उत्तर में स्थित है, उत्तर और पश्चिमी छोर पर। और आपको एक दिखा दे रहा हूँ इसको जूम करके, देखिए थोड़ा जूम किया हूँ। ठीक है,
ये पूरा पूरा आपका सहारा का विस्तार है, ठीक है, पूरा पूरा देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समय के लिए रोका हूँ, ठीक है। ये एयर का पठार इसमें पाया जाता है। ये जब जब मारा गिम्बाल एक चोटी है, ठीक है, पर्वतमाला है। यह ईमी कोसी एक पर्वतमाला सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला, जो हमेशा पूछता रहता है कि क्वेश्चन, देख लीजिए कहाँ स्थित है, उत्तरी उत्तरी में, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में, सबसे उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है। यही पूरा जो पीला एरिया है सहारा मरुस्थल है। देखिए आप एक चीज और इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए जो नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये देखिए सहारा सोते हुए ऐसे है, इसी के करीब करीब, इसी नील नदी के करीब करीब जो यहाँ के लोग होते हैं, जो चरगाह होते हैं, इसी नील नदी के करीब करीब बसते हैं, ठीक है। इसे ही अफ्रीका का वरदान कहा जाता है, यो यूं कहें कि मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। यही जो नील नदी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहते हुए निकलती है ब्लू नील से, टाना झील के करीब से निकलती है, कई सारी शाखाएं बसते हुए एक शाखा में बसती है, आई से जाके आपके सूरज नहर के करीब करीब और सूरज नहर से सटे हुए भूमध्य सागर में जा गिर जाती है ये नील नदी, देखिए, ठीक है। यहाँ पर नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है, छोटे छोटे दिखा रहा हूँ आपको, फिगर द्वारा दिखा रहा हूँ कहाँ डेल्टा का निर्माण कर रही है। देखिए यहाँ पर यह नील नदी जो जा रही है, देखिए जो नील नदी जा रही है यहाँ से, ये इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये देखिए डेल्टा का जो निर्माण कर रही है, ठीक है, ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर चार झील है अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, सहारा के दक्षिणी क्षेत्र में चार झील पाया जाता है, जो यहाँ का फेमस झील है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका वीडियो था, मैं उस समय वीडियो में रुक रुक के बोला हूँ इसलिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह सहारा मरुस्थल में जो जो क्षेत्र पाया जाता है, इस सहारा मरुस्थल में दो ही टापू पाया जाता है, ठीक है, गिम्बाल का, जब मारा गिम्बाल और इमी कोसी का। आई इसके देखिए मैं बता दिया हूँ कि जो नील नदी है इसी सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र से, लाल सागर करीब से, यूं ही कहें कि मिस्र 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 जो देश है उसी करीब से गुजरती है, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जो ब्लू ब्लू नील और अन्य झीलों की सहायता से, अन्य नदियों की सहायता से उत्पन्न होती है, व्हाइट नील और ब्लू नील नदी है उसी की सहायता से ये उत्पन्न होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल था, अब चलिए बताता हूँ विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल नेक्स्ट।